अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह से बड़ा कोई करीम है ही नहीं। मौलाना रूम कहते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला, इब्तिदा में तो अल्लाह के गुस्से को बहुत जोश होगा, अल्लाह बहुत गुस्से में होंगे। जब महशर का मैदान कायम होगा, जब महशर का मैदान कायम होगा तो उस वक्त तो अल्लाह को बहुत गुस्सा होगा। इतने अल्लाह गुस्से में होंगे, इतने गुस्से में होंगे कि अंबिया भी थर थर काँप रहे होंगे। सिद्दीकीन, शुहदा, उलमा, मुहद्दिसीन, ये सब के सब थर थर काँप रहे होंगे। और यही वो लम्हा होगा, यही वो वक्त होगा, यही वो मरहला होगा कि जिस पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम को भूल जाएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माईल और इसहाक को भूल जाएंगे, और हर एक कहेगा या रब नफसी नफसी, ए अल्लाह बस मेरी जान, या अल्लाह बस मेरी जान, या अल्लाह बस मेरी जान, या अल्लाह बस मेरी जान। ये वो वक्त होगा जब अल्लाह शदीद गुस्से में होंगे, शदीद जाहो जलाल में होंगे, अल्लाह के गैज़ो गज़ब को जोश होगा। उस वक्त सारी दुनिया नफसी नफसी कह रही होगी, लेकिन मेरे और आपके आका सरकार दो आलम वजह कायनात खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी कह रहे होंगे या रब उम्मती। तो सबसे मैदान महशर की इब्तिदा तो इस हाल में होगी, लेकिन जब अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा होगा और अल्लाह ताला माफ़ करने पे आएगा तो मौलाना रूम कहते हैं गर जन्नत यक सदा ए करम इबलीस गोयद नसीब बरम। जब वो माफ़ करने पे आएगा ना तो इबलीस कहेगा आज तो शायद मेरा भी नंबर आ जाए। जब वो माफ़ करने पे आएगा तो ऐसे माफ़ करना शुरू करेगा, ऐसे धड़ाधड़ माफ़ी के फैसले करेगा, ऐसे धड़ाधड़ जन्नत के फैसले करेगा कि जिनके बारे में जन्नती होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।